नमस्कार दोस्तों, स्टार मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में जमीन को कैसे मापा जाता है। अगर भारत की बात करें तो अलग अलग स्टेट में मेजरमेंट के अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में जमीन को कैसे नापा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि वहाँ पर जो लगी होती है या जिससे मेजर किया जाता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर एक कलम होता है जो आपका 5.5 फुट के बराबर होता है। उसको अगर देखें एक सरसाई कितना होता है तो एक वर्ग कलम के बराबर होता है, और एक मरला आपका 9 सरसाई के बराबर होता है। एक कनाल में आपके 20 मरला होते हैं और एक किला में आपके 8 कनाल होते हैं। 2.5 किला का आपका 1 हेक्टेयर होता है। तो इस तरीके से ये यूनिट्स यहाँ पे यूज की जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एक सरसाई जमीन कितनी होती है। अगर कोई जमीन आपकी 5.5 फुट लंबी है और 5.5 फुट चौड़ी है तो वो आपका 30.25 वर्ग फुट यानी कि 1 सरसाई के बराबर होता है। अगर एक मरला की बात करें तो आपका 30.25 वर्ग गज, 25.3 वर्ग मीटर या 272.25 वर्ग फुट के बराबर होती है। एक कनाल आपका 605 वर्ग गज, 506 वर्ग मीटर या 5,445 वर्ग फुट के बराबर होता है। एक किला जमीन आपकी 43,560 वर्ग फुट के बराबर होती है या 4,840 वर्ग गज के बराबर होती है या 4,047 वर्ग मीटर होते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक सरसाई जमीन कितनी होती है। तो अगर जमीन आपकी 5.5 फुट लंबी है और 5.5 फुट चौड़ी है तो वो आपका 30.25 वर्ग फुट यानी कि 1 सरसाई हो जाती है। और अगर एक कनाल की बात करें तो कोई जमीन अगर 30.25 गज लंबी और 20 गज चौड़ी है तो वो आपका 1 कनाल यानी 605 वर्ग गज के बराबर होती है। अगर एक मरला की बात करें तो 5.5 गज लंबी और 5.5 गज चौड़ी है तो आपका 30.25 वर्ग गज यानी कि 1 मरला के बराबर होती है। इसी तरीके से आपके अलग जो यूनिट्स हैं आपका हेक्टेयर। हेक्टेयर मेनली भारत में सभी जगह यूज किया जाता है जो आपका 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो एक हेक्टेयर में आपके 10,000 वर्ग मीटर या 11,960 वर्ग गज या 107,639 वर्ग फुट होते हैं। अब बात करते हैं कि एक हेक्टेयर जमीन कितना होता है। तो अगर कोई जमीन आपका 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है तो वो आपका 10,000 वर्ग मीटर यानी कि 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। अगर बात करते हैं कि वर्ग मीटर से वर्ग गज या वर्ग गज से वर्ग फुट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वर्ग गज से वर्ग मीटर या वर्ग फुट से कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि वर्ग फुट से वर्ग मीटर कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखें, एक वर्ग मीटर को जब आप वर्ग गज में कन्वर्ट करेंगे तो आप उस नंबर को 1.196 से गुणा करेंगे, और अगर वर्ग गज को आपको वर्ग फुट में बनाना है तो उस नंबर को आप 9 से गुणा करेंगे तो आपका वर्ग फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वर्ग मीटर में आपके 10.764 वर्ग फुट होते हैं यानी कि जो भी नंबर है आपका उसको आप 10.764 से गुणा करेंगे तो वो जमीन आपकी वर्ग मीटर फुट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एक किला जमीन कितनी होती है। अगर कोई जमीन 121 गज लंबी है और 40 गज चौड़ी है तो वो आपकी 4,840 वर्ग गज यानी कि 1 किला के बराबर होती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।